लेना चाहिए या नहीं, बिकॉज मुझे तो अभी नहीं लग रहा है कि इस कुर्ता का कुछ यूज़ है अभी मेरे लिए, बट ले लेता हूँ अगर जगह बचती है तो, क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ पैकिंग में। मैं मेरा पैक कर रहा हूँ, बाकी सबका तो पैक करके हो गया हो, मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो पैक करनी है, 4-5 शूज़ है वो कहाँ पे फिट करना है और बाकी भी बहुत सारे हैं। मैंने जो पैक किया था ना वो फिर से निकाल दिया और फिर से अभी पैक करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो बराबर नहीं हो रहा था, बराबर सेट नहीं हो रहा। तो मैं ये बोल रहा था कि कुर्ता का डिसीज़न वो तो मैं बाद में ले लूँगा, अभी तो कुछ उसका मुझे ज़रूरत नहीं लग रहा है। बट ये देखो अभी मेरा घर कुछ ऐसा बिखरा हुआ पड़ा है, देख लो, अभी मैंने कुछ किया है नहीं, ये मेरा ट्राइपॉड ऐसे ही रखा है, ये सब और पैक करना है। एक्चुअली ये डन है, इसमें सब हो गया है, इसमें भी थोड़ा कुछ था वो कर दिया, ये मेरी मेन बैग है, इसमें सब ये भरना है। देखता हूँ अभी कैसे करना है वो, फटाफट ये निपटा लेता हूँ। और हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ मेरे गांव कोल्हापुर। देखो अभी ये तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि ये क्लिप कहाँ ऐड करनी है, ऐसे मैं पहली बार कर रहा हूँ कि ये क्लिप मैं बना रहा हूँ, मतलब ये शूट कर रहा हूँ, बट ये मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ या नहीं, या फिर ये क्लिप को मैं किसी और व्लॉग में जोड़ दूँ। है वेलकम बैक। ये एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में बोला ही नहीं, इतना भाषण सब कर लिया बट मैंने ये बोल ही नहीं पाया। हाँ, एट द एंड मैंने कुर्ता लिया ही नहीं और उसके बाद मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया ही नहीं, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला और रात भी हो गई थी, तो इसीलिए ये व्लॉग मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और एक बात मुझे पता नहीं है कि चाहे घर पे कितना भी मैं टाइम बैठूँ, मेरे बाल सेट नहीं होते, बट कहीं पर बाहर जाना हो कहीं पर भी बाल बहुत अच्छे से सेट हो जाते, यही मुझे चाहिए। अगर घर पे रहूँ बाल सेट नहीं होए कोई परवाह नहीं, बट अगर बाहर जा रहा हूँ बाल सेट है फुल, और कितना अच्छे से हुआ है यार आज, आज मेरे सच्ची कुछ भी नहीं लगाया, आज शैम्पू वैम्पू कुछ भी नहीं, बस पानी लगा कर छोड़ दिया। मुझे लगा मुंबई में ही हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट यहाँ कर्नाटक पे भी वही सीन है, लगा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और व्लॉगिंग में दिक्कत आ रही है, बट इतना नहीं है, मुंबई से कम है तो वो बहुत अच्छी बात है। एक डिस्क्लेमर देना था मुझे, डिस्क्लेमर इस बात का है कि जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, मैं जो भी बोलूँगा या वहाँ पर जाके या उसकी हिस्ट्री बताऊँ, शायद आपको वो इम्पॉसिबल लगे, या तो फिर मेरे बातों पे आपको भरोसा ना हो, आप बोलेंगे ये तो हो ही नहीं सकता है, ये कुछ भी बोल रहा है, तो सालों बाद में मुझे ट्रोल मत करना, पहले ही डिस्क्लेमर है, अगर आपको सही लगता है तो वो मानो वरना छोड़ दो। क्या बनवा ले इसका है, बट कपड़े बदल लेता हूँ। अरे यार ये ट्राईपॉड का भी नहीं, इतना हिलता है। हाँ तुम्हें बता रहा था, फटाफट कपड़े बदल लेता हूँ क्योंकि 2-3 दिन हो गया मैं यही डाल रहा हूँ। आउटफिट चेंज, अभी जा रहे जहाँ पर जाना है, बोट पर आ गए, अभी हम 3 हैं और 4 जन चाहिए, टोटल 7 जन चाहिए यहाँ से वहाँ जाने के लिए, तो अभी देखते हैं। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, यानी कि तो उधर से घूम फिर के जा भी सकते थे, बट उसके लिए बाइक चाहिए और बाइक गई है सर्विसिंग के लिए। ये कौवा कब से मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है, व्लॉग ही नहीं करने दे रहे। टेम्पल ही है वो उसकी खासियत ये है कि 24 आवर्स में वो बनाया है। पर एक मिनट सांस ले लेता हूँ। थोड़ा सा करेक्शन है, ये 24 आवर्स में नहीं, ये एक रात में बनाया गया था ऐसे तो बोला जाता है, बट क्या रियलिटी है मुझे पता नहीं, बट मुझे तो नहीं लगता कि एक रात में बनाया होगा। सब छोड़ दिया, ये टूटा नहीं है बट ये ऐसा आधा छोड़ दिया, ऐसे सब जगह पर है। मुझे अभी अभी पता चला है कि ये महाराष्ट्र है और मैं उस तरफ था, वो कर्नाटक था, बस उसमें नदी का डिस्टेंस है, उस तरफ कर्नाटक, इस तरफ महाराष्ट्र। हाँ और एक बात, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कोल्हापुर जा रहा हूँ, मतलब कोल्हापुर ही है मेरा गाँव, बट कैसा है ना, मेरा गाँव थोड़ा सा बॉर्डर पर है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर में, तो इधर मैं रहता हूँ वो कर्नाटक ही कंसिडर होता है, इसीलिए मैंने कर्नाटक बोल दिया और स्टार्टिंग में कोल्हापुर। बट गदा चपर वगैरे दाखवले, त्यांना हरिहर
ये वाला जो पार्ट है, ये जो बैलेंस है, एक्चुअली ये सर्कल जितना ही ये सर्कल है, पत्थर ही है, ये लास्ट में हो गई थी इसीलिए वो ये अटैच ही नहीं कर पाए, तो ये ऐसे ही रह गया। सुबह हो गई इसीलिए सब लोग निकल गए। ये गेट है ना, ये गेट और उस तरफ दिख रहा है वो गेट, ये गेट एक्चुअली ये जेंट्स लोग के लिए, और वो गेट वो वाला अगली तरफ वो लेडीज़ लोग के लिए। ये भी मूर्ति है ना, जैसे अभी इस पर सब दिख रहा है, इस सब की अलग अलग कहानी है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ तो इसकी कहानी है, वो मुझे इतना डिटेल नहीं पता। नहीं छोड़ दे, अंदर भी जो मैंने सर्कल बताया वो ऊपर लेके जाने वाले थे, बट सुबह हो गई और अटैक हुआ उन पर, इसके लिए सब लोग ने छोड़ के चले गए और ये ऐसे ही रहे। प्लेस मुझे अभी तक याद है, मैंने पहली बार बाइक सीखा था और बहुत ज़्यादा बार गिरा हूँ मैं, और बहुत चोटें लगी है पैर पर। पहुँच गए इस साइड, अभी सीधा घर पे चलते हैं, घर पे जाके कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। और बाकी सब पीछे, मैं आगे चला आया क्योंकि मैं सबसे आगे ही हूँ। इसमें चीटियाँ हो गई थी इसीलिए धूप में रखा था, इधर रख देता हूँ। खाने को क्या है? भाकरी। चलो, धूप थोड़ा कम होने के बाद क्रिकेट खेलेंगे। बाकी इस ब्लॉग में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।